मित्रों नमस्कार, बागवानी 2020 चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। ये स्नेक प्लांट आपको नर्सरी पर इजीली 40-50 रुपए में मिल जाएगा और ये ड्रॉप वैरायटी का स्नेक प्लांट है। तो इसको मैं इंडोर रखूँगा, इसलिए मैंने एक फैंसी सिरेमिक पॉट को लिया है। तो इसका जो ड्रेनेज होल है उसको आपको एक किसी भी टुकड़े से, गमले के टुकड़े से उसको ढक लेना है। फिर इसमें आपको पॉटिंग मिक्स भर लेना है। इस पॉटिंग मिक्स को जो मैंने बनाया है, तो इसको मैंने बहुत ही वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स बनाया है, जिससे इसमें पानी बिल्कुल ना ठहरे। तो इस पॉटिंग मिक्स को मैंने बनाने के लिए इसमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, बाकी 30% इसमें रेत है और 15-15% इसमें काउडंग कंपोस्ट और मैंने कोकोपीट का मिश्रण लिया है। तो इसमें स्नेक प्लांट में बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा इस मिश्रण में, जिससे कि आपका स्नेक प्लांट हेल्दी रहेगा। और इसकी जो नीचे वाली लीफ हैं स्नेक प्लांट की, मैंने हटा ली हैं। और ये जो हैं, इन लीफ को हम नया पौधा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसी पॉटिंग मिक्स में इनको लगा दें, इन जो मैंने लीफ निकाली हैं, या आप कोकोपीट में भी इनको लगा सकते हैं। ये इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये आपका जो स्नेक प्लांट है, ये पत्तियों से ही नया पौधा बनाया जाता है। बाकी ये जो स्नेक प्लांट आप एक बार लगा लेंगे, इसके बेबी प्लांट इसके साथ से निकलते रहते हैं बहुत से, तो उनको आप अलग करके आप दूसरे पॉट में लगा लें, उससे भी आपका स्नेक प्लांट तैयार हो जाता है। तो आपको बस एक बार लेकर आना है स्नेक प्लांट अपने घर में, और उससे आप नए नए पौधे बनाते रहते हैं। तो आपको रिपोर्ट इसको करने के बाद, इसके जो मिट्टी है इसमें बहुत अच्छे से थोड़ा दबा दबा के भर देनी है, जिससे जो एयर है वो इसमें बिल्कुल ना रहे। इसमें अच्छे से मिट्टी दबा के भरने के बाद आप इसको पहली बार में बहुत अच्छे से पानी देंगे, और इसको शुरुआत के 4-5 दिन आपको शेडी एरिया में रखना है। फिर इसको लाइट एरिया में लेकर आ सकते हैं आप, और आपका पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।